नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सदीकी। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी के महिला मोर्चा को खास जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें खास तौर पर तीन तलाक जैसी कुप्रथा का शिकार हुई मुस्लिम महिलाओं को खास तरजीह दी जाएगी, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को एक नया लक्ष्य सौंप दिया। क्या है सीएम का वो लक्ष्य, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अब यूपी में महिलाओं के नहीं बल्कि अपराधियों के डरने का वक्त आ गया है, क्योंकि सूबे में अब महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा देना बीजेपी की प्राथमिकता रहेगी। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को भी पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने एक नई पहल की है। इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी तेज की जा रही है। तभी तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को लक्ष्य सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीन तलाक की कुप्रथा के कारण सैकड़ों सालों से मुस्लिम भारतीय नारी पीड़ित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कुप्रथा को खत्म कर महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम किया, और अब हमारा दायित्व बनता है कि उन सभी बहनों को अपने यानी महिला मोर्चा के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए सीएम योगी ने प्रदेश महिला मोर्चा की टीम को चुनावी तैयारियों में जुटने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही सम्मान और स्वावलंबन दिया है। पहले बेटियां स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अब जाती हैं। और अब महिलाओं को अपराधियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब सूबे में अपराधी डरेंगे। और वैसे भी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुए पंचायत चुनाव में 36 सीटों पर पार्टी की महिला कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत में बीजेपी का महिला मोर्चा अहम किरदार अदा करने वाला है, क्योंकि बीजेपी की नीतियों में महिला सशक्तिकरण हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। और पार्टी वंशवाद परिवारवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है, ये वो पार्टी है जो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश महिला मोर्चा की टीम को चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म कर महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम किया है, और अब हमारा दायित्व बनता है कि उन सभी बहनों को अपने महिला मोर्चा के साथ जोड़े। जैसा कि हमने पिछले 4.5 सालों के कार्यकाल में महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही सम्मान और स्वावलंबन दिया है, वैसा ही आगे होगा। अब महिलाओं को अपराधियों से नहीं बल्कि अपराधियों को भयभीत होने का वक्त आ गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।